राष्ट्रवादी युवा किसान संगठन मध्य प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण व्यास एवं रतलाम जिला अध्यक्ष अनुज ठाकुर तहसील अध्यक्ष अनिल पाटीदार के द्वारा किसान वर्ग के होनहार क्षेत्रों हेतु एक सहायता का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत सरकारी नौकरी व कृषि क्षेत्र में पढ़ रहे छात्रों हेतु फीस में 10-20% की छूट दिलाई जाएगी। सर क्या नाम है आपका? अनुज ठाकुर नाम है मेरा। ओके सर, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि शिक्षा को लेके आप कुछ नई पहल करने वाले हैं, तो क्या पहल है आपकी, थोड़ा सा बताएंगे हम आम जनता को? सर, शिक्षा को लेकर के हमारी एक नई पहल शुरू हुई है। इसमें हम जो किसान वर्ग के जो बच्चे हैं जिनको पढ़ने में किसी भी तरह से कोई समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, तो हम उसके लिए कुछ चुनिंदा जो संस्थान हैं, जो हमारे संगठन द्वारा जो हमने चुने हैं, उनमें हम उन बच्चों को कुल फीस में 10-20% की छूट दिलवाएंगे, और वो बच्चे उस संस्थान में पढ़ करके अपना जो जीवन है, अपना जो भविष्य है, उसे वो उज्ज्वल करेंगे। तो हमारा यही एक सपना है कि किसान वर्ग जो है वो अब शिक्षा में भी आगे आए। अभी तक किसान जो है वो कृषि में तो बहुत आगे है, उसने हमारे भारत को बहुत आगे किया है, लेकिन अब वो किसान वर्ग का बच्चा पढ़ लिख करके अब प्रशासनिक विभाग में आएगा, एग्रीकल्चर विषय पढ़ करके, और वो एग्रीकल्चर में नई नई खोज करेगा, नई तकनीकी अपनाएगा, और वो एक वैज्ञानिक बनकर के निकलेगा, जिससे कि बहुत अनूठी चीजें होंगी। और हम यही चाहते हैं कि किसान का बच्चा भी आगे आकर के पढ़े। उसकी जो समस्या है, मुख्य समस्या यही है कि पैसे की समस्या आती बहुत ज्यादा, पैसा नहीं है कभी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ संस्थानों की फीस बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से बच्चा वो पढ़ाई से कहीं दूर हो जाता है, कहीं छूट जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि किसान का बच्चा इस हमारे पहल से जुड़े और आकर के और अपनी पढ़ाई शुरू करे। बराबर है सर, अभी किन किन वर्ग के बच्चों को आप शिक्षा प्रदान करेंगे, आपकी तरफ से क्या फैसिलिटीज है? मतलब जैसे 8वीं का बच्चा है अगर वो पढ़ना चाहता है, या 10वीं का है, कॉलेज का बच्चा है, तो किन किन वर्ग में आप लोग बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे और ये फैसिलिटीज देंगे, थोड़ा सा बताएंगे आप? सर, हमारा ये है कि जो बच्चे 10वीं पास हो चुके हैं जी, उन बच्चों को हम प्रशासनिक विभाग के लिए पढ़ाने की जिम्मेदारी लेंगे, उन बच्चों को हम एग्रीकल्चर विषय में पढ़ाने की जिम्मेदारी लेंगे कि वे बच्चे कृषि क्षेत्र में अपना भविष्य बनाए, क्योंकि वे बच्चे पहले से ही कृषि से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चा किसान वर्ग से आएगा, वो बच्चा पहले ही कृषि से जुड़ा रहेगा और वो कृषि विषय में ही अपना और अच्छा पढ़ करके काम करें, साथ ही साथ वो प्रशासनिक विभाग में आए। अगर वो किसी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करता है तो वो प्रशासनिक विभाग में जाकर के कलेक्टर बनेगा, SDM बने, तहसीलदार बने। तो हम इन चीजों के लिए 10वीं पास जो बच्चा हो जाएगा, हम उसके लिए ये कार्य शुरू करेंगे। ये योजना कहाँ-कहाँ के लिए लागू है? ये योजना सर, ये एक हमारी मुहिम है, इसकी शुरुआत हमने अभी फिलहाल रतलाम जिले से की है, और बाद में हम इसे पूरे मध्य प्रदेश में और इसके अलावा हमारा जहाँ संगठन संचालित है उन सभी राज्यों में इस मुहिम को लागू करेंगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।